तो कौन खाएगा दो तीन मिनट। शटर उठा यहाँ से ये कह रहे ऊपर से लग जाएगा पानी ऊपर से करता बोल गए हैं ऊपर कहाँ से पता नहीं ऊपर ऐसे जॉब है ना जो हाँ तीन ही तो हैं बाबू जी तीन है क्या ना लंटर तो नहीं है ना तीन है तीन पे हीट तो देखो कौन चढ़ेगा तीन पे हीट देखो ना जी तीन पे कौन चढ़ेगा चैटर पर मार दो ऊपर पहुंच गया आगे देखो ऊपर ही चलेंगे एक बार उधर ही जाने उधर ही रजीव उधर ही एक बार उसे ठंडा करो प्रेशर तो आया यार थोड़ा वहां प्रेशर लेक चला जरा विनोद पकड़िए ब्रांच एक बार बस 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 चल भाई चल दूसरी ब्रांच पकड़ रहे राजीव चलवा दूसरी ब्रांच एक गुलाबनगर चौक के पास हमारे एक आग लगी थी 1:34 के करीब लगभग हमारे पास मैसेज आया MDT पर हमने तुरंत अपनी गाड़ी निकाल दी तुरंत गाड़ी निकालने पे ये जो आग लगी थी एक स्टोर था जिसमें कन्फेक्शनरी का सामान लगा हुआ था ठीक है और उस आग को बुझाने में हमें काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा क्योंकि वेंटिलेशन की कमी थी वहाँ पर और लेबर भी नहीं थी रात को जिसके कारण काफ़ी हमारी दो गाड़ियाँ हमारी और तीन गाड़ियाँ यमुनानगर से लगी जिसके कई चक्कर लगे पानी भरने में और सुबह 9:30 के करीब हम आग को काबू पाके पूरी तरह से बुझा दिया गया कई गोदाम थे उनको बचा लिया गया कोई इंजरी नहीं आया किसी प्रकार के भी नुकसान मौके पे हमारे सामने तो सारा जल गया था क्योंकि बिस्कुट वगैरह हैं उनमें क्या होता है आग लग गई तो कोई पशु वगैरह नहीं खाता कोई भी नहीं खाता उसको स्मेल आती है बाकी जो मालिक हैं वो बताएंगे कि इसमें से कितना बच गया है नहीं बच गया है कॉस्मेटिक का सामान था इसमें वो भी जल गया है ये गुलाबनगर चौक के पास हमारे एक आग लगी थी 1:34 के करीब लगभग हमारे पास मैसेज आया MDT पर हमने तुरंत अपनी गाड़ी निकाल दी तुरंत गाड़ी निकालने पे ये जो आग लगी थी एक स्टोर था जिसमें कन्फेक्शनरी का सामान लगा हुआ था ठीक है
और उस आग को बुझाने में हमें काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा क्योंकि वेंटिलेशन की कमी थी वहाँ पे और लेबर भी नहीं थी रात को, जिसके कारण काफ़ी हमारी दो गाड़ियाँ हमारी और तीन गाड़ियाँ यमुनानगर से लगी, जिसके कई चक्कर लगे पानी भरने में। और सुबह 9:30 के करीब हम आग को काबू पा के पूरी तरह से बुझा दिया गया। कई गोदाम थे उनको बचा लिया गया, कोई इंजरी नहीं आई किसी प्रकार के भी नुकसान। मौके पे हमारे सामने तो सारा जल गया था क्योंकि बिस्कुट वगैरह हैं उनमें क्या होता है आग लग गई तो कोई पशु वगैरह नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता उसको, स्मेल आती है। बाकी जो मालिक हैं वो बताएंगे कि उसमें से कितना बच गया है नहीं बच गया है। कॉस्मेटिक का सामान, ये गुलाब नगर चौक के पास हमारे एक आग लगी थी 1:34 के करीब, लगभग हमारे पास मैसेज आया MDT पर। हमने तुरंत अपनी गाड़ी निकाल दी, तुरंत गाड़ी निकालने पे ये जो आग लगी थी एक स्टोर था जिसमें कन्फेक्शनरी का सामान लगा हुआ था, ठीक है। और उस आग को बुझाने में हमें काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा क्योंकि वेंटिलेशन की कमी थी वहाँ पे और लेबर भी नहीं थी रात को, जिसके कारण काफ़ी हमारी दो गाड़ियाँ हमारी और तीन गाड़ियाँ यमुनानगर से लगी, जिसके कई चक्कर लगे पानी भरने में। और सुबह 9:30 के करीब हम आग को काबू पा के पूरी तरह से बुझा दिया गया। कई गोदाम थे उनको बचा लिया गया, कोई इंजरी नहीं आई किसी प्रकार के भी नुकसान। मौके पे हमारे सामने तो सारा जल गया था क्योंकि बिस्कुट वगैरह हैं उनमें क्या होता है आग लग गई तो कोई पशु वगैरह नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता उसको, स्मेल आती है। बाकी जो मालिक हैं वो बताएंगे कि उसमें से कितना बच गया है नहीं बच गया है। कॉस्मेटिक का सामान था इसमें, वो भी जल गया है।